हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इस इनिशिएटिव में हम विद इन टाइम आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और वो किस तरह से, देखिए, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, डेली टारगेट्स, और उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन आपके पास होगा। अच्छे से प्लान कीजिए और कंप्लीट कीजिए। और फिर सेम डे नाइट में 10 PM पे उन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे, कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पे आपको ज़्यादा रिवीजन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ आवर डेली गाइडेंस प्रोग्राम। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया डे 3 के टारगेट्स में आपको दूंगा। शुरुआत हम हमेशा करते हैं एनसीईआरटी से, बिकॉज एनसीईआरटीज आर कंसिडर्ड एज फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, तो बिना उसकी नॉलेज के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिए, चैप्टर नंबर 7 तक हमने पहले कर लिया था। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट पार्ट नंबर 3। तो रिमेनिंग जो 3 चैप्टर्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी, दैट इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट नंबर 3। और इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, रिबेल्स एंड द राज, ठीक है, इसमें 1857 रिवोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 चैप्टर्स आपको करने होंगे। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आपके टारगेट हो गया, 3 चैप्टर्स क्लास 8th एनसीईआरटी एंड 2 चैप्टर हैं क्लास 12th एनसीईआरटी। अगर आपको लगता है कि ये टारगेट्स कम हैं, टाइम पे हो जा रहे हैं, टाइम से कम पे हो जा रहे हैं, तो फिर आप ये वाला चैप्टर भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बट ये 5 चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी कर रहे हैं, और हमने अगस्त मंथ की मैगजीन को लिया हुआ है, तो इसके लिए भी आपको 1 आवर देना पड़ेगा। और आपका टारगेट क्या होगा, देखिए हमने कहाँ तक किया हुआ है, पेज नंबर 90 तक हमने किया हुआ है, 90, तो अनदर 10 पेजेस, ठीक है, पेज नंबर 100, तो ये आपका टारगेट होगा जीआई टैग टू बिहार मिथिला मखाना। ओके, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जीआई टैग, ठीक है, क्या उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। ओके, सो ये आपका टारगेट हो जाएगा। इसके साथ साथ ना, डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपको लगेगा 1.5 आवर्स। अगर खुद से नहीं कर पाते तो दिस इज अवर डीएनए, हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरी मॉर्निंग डीएनए आता है, जहाँ पे पेपर को काफ़ी अच्छे से यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शनल पेपर को आपको 2 आवर्स देने होंगे, और देखिए दिसंबर तक कोशिश करिए कि आपका काफ़ी कुछ पोर्शन हो जाए, 70 to 80% जो आपका ऑप्शनल है वो ख़त्म करने की आप कोशिश करिए। डेली 2 आवर्स आपको देने होंगे, क्योंकि 500 मार्क्स हैं, ये कवर हो जाएंगे तो बर्डन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, वरना क्या होगा, आफ्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑप्शनल की टेंशन लगी रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन आपको रहे। ओके, सो ये आपका टारगेट होगा। इसके साथ साथ ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली आप करिए, टाइम हो तो 3 आंसर्स लिखो, एक लिखो एथिक्स से, एक लिखो आपके ऑप्शनल से, और एक आपको लिखना चाहिए GS 1, 2, 3 रोटेशन बेसिस पे। अगर टाइम कम है तो 2 क्वेश्चन लिख लो, अगर टाइम और कम है तो 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको लिखना चाहिए। आप डेज फिक्स कर सकते हो कि आज एथिक्स का लिखूंगा, आज ऑप्शनल का लिखूंगा, आज GS 1, 2, 3 का लिखूंगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, डेली आंसर राइटिंग कोर्स, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। डेली 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको अटेंड करिए, और फिर उस पर डिस्कशन होता है, लाइव डिस्कशन, जहाँ पे आपको प्रॉपर इवेल्यूएशन मिल जाएगा। अब देखो, ये कुछ हमारे सजेशन है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको गेयर अपना चेंज करना होगा। अगर आप 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो अब काम नहीं चलेगा, कम से कम 8 to 10 आवर्स तो आपको देना चाहिए, कुछ लोग तो 12 आवर्स भी देंगे, ठीक है, तो
अब आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि काफी बैकलॉग अगर आपका बचा हुआ है तो फिर एडिशनल टाइम आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आता है, आपको फायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, ओके, आपको एक एक परफॉर्मेंस दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है, तो उस प्रोग्रेस को मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।